हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है, जैसे कि आपको सबको पता है कि एक बहुत ही प्यारी सी सुबह है, क्योंकि हम लोग अगर खुशी मन से उठते हैं गाइस, तो हमारी सुबह की शुरुआत जो होती है बहुत अच्छी होती है। और मेरे हिसाब से सबको खुशी खुशी उठना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो दिन दिया है हमारी लाइफ में, ये प्यार सा दिन दिया है, तो उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एक नई सुबह की शुरुआत है और एक प्यारे से उगते हुए सूरज के साथ। तो इस करके मैं अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले उठी गाइस, और अभी मैंने कुछ नहीं करा है। तो मैंने सोचा कि काम स्टार्ट करने से पहले अभी थोड़ी सी अपनी आंखें खोल रही थी कि ठीक है, थोड़ी सी मैं अपनी आंखें खोलूँ, फ़ोन को देख रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं उठते ही पहले मैं फ़ोन, जैसे कि हर बंदा चेक करता है, तो मैं भी वही चेक कर रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं साथ में पहले गुड मॉर्निंग कर लूँ, और उसके बाद, क्योंकि उसके बाद मुझे ऐसी भागदौड़ मचती है कि मैं रोज़ सोचती हूँ कि टाइम पे जाऊँ, पर टाइम पे पहुँच भी जाती हूँ, पर जिस हिसाब से मुझे पहुँचना चाहिए गाइस, मैं उसी हिसाब से नहीं पहुँचती हूँ। तो इस करके मैंने सोचा कि फटाफट से गुड मॉर्निंग करती, ताकि मैं फटाफट से काम करके फटाफट से निकल जाऊँ। तो मैं गाइस अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा। तो गाइस, कल हम बुआ से बात कर रहे थे, और बुआ ने बातों बातों में ना मुझसे पूछ लिया कि कुछ तू खाएगा, तो मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर बुआ ने फोर्स किया मेरे को कि कुछ ले 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 ले, मैं तुझको लेकर देती हूँ। तो वो बुआ ने मुझको भिजवाया है, क्या मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखते हैं चोकोस का पैकेट, जो कि मैं नाश्ते में खाऊँगा, और साथ में ये पेप्सिला, ये कॉफ़ी का पैकेट है। मतलब बुआ ये पीती है कॉफ़ी का पैकेट, उनको बहुत पसंद है, तो उनने कहा था कि तू भी एक बार पी कर देखी, और मम्मी के लिए भी भिजवाया है। तो हाँ, मैंने एक बार ट्राई किया था, ये भी बहुत टेस्टी था। चीना दीदी भी एक बार लाई थी, उनने भी ट्राई करवाया था, काफ़ी टेस्टी था। तो हाँ, बुआ ने कहा मैं ये भी भिजवा देती हूँ, सब में चौक। तो एक हिसाब से तो मेरी पार्टी हो गई। तो गाय, जो बुआ ने कॉफ़ी का पैकेट दिया, मैं वही बनाने जा रहा हूँ। उसके ना चार फ्लेवर्स है, मतलब एक जैसे क्लासिक होता है, ऐसे हेज़लनट, वनीला, बटरस्कॉच, ऐसे चार फ्लेवर है। उसमें से एक मैंने निकाला है, ये वनीला वाला, तो मैं वो बनाऊँगा अभी कॉफ़ी। मेरा मन कर रहा था पीने का, अभी बज रहा है, मतलब शाम के 5 बज रहा है अभी, तो मम्मी को आने में टाइम है। लेकिन मैं सोचा अभी मम्मी के लिए चाय बना दूंगा मैं, जब मम्मी आएगी तब तक मैं कॉफ़ी पी लूँ थोड़ी सी, तो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, मेरी कॉफ़ी हो चुकी है रेडी, ये वनीला कॉफ़ी है, अभी मैंने पीकर देखा था, बहुत टेस्टी है। तो गाइस, आप भी घर पर ज़रूर बनाना बेवजीला की कॉफ़ी। ऑफिस से आते ही खेलने लग गया कोको के साथ, इसका मुंह बंद कर दो तो भी लगे होती नहीं है, इसको कुछ भी कर लो ये कुछ नहीं कहती है, ये बहुत ही क्यूट बैठी है। और इसको देखो, माँ के पीछे बैठी हुई एकदम, मौका मौका देख रही कि कैसे आप हिलोगे, आपको काटेगी, मुझे काटेगी। हाँ। मुझे काटेगी जो कोको, मुझे कोची 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 है। चाय पियोगे आप? तो बनाई तो रहा हूँ मैं, पी लो आप। कब बनाएगा? बस बनी तो रही है, जैसे आगे मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने सब कर लिया, सब कुछ कर लिया, चाय बनाई ना, बन रही है मम्मा। फ्रेट से फिर चाय पीगा? चाय, दूध, बिस्कुट, टच, कुछ खाएगा तू? पी ले, पी ले टुकड़े। डिंग 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 लेटे रह दो, लेटे रह दो, सो जा, गुड नाइट। मत सुनाई करो और इतना राजकुमारी को, क्यों ना सुनाई करो, हर टाइम सुलाने में लगे रहते हो। ये देखो, ये प्रधानमंत्री कोको, ये प्रधानमंत्री है, मुझे क्या है देख रही है, कैमरा की तरफ देख रही है। हाँ, सही है ना, क्या देख रहा हूँ ऊपर, कुछ नहीं ऐसी ड्रामा देखते। हाँ, ऊपर कोई भूत है, वो देखो ऊपर, देखो वो पर्दा क्या हिल रहा है, पागल सा, वो देख क्या बोला है, वो खुद रहती है बेचारी। चलो अब चाय पी लो, मैं बना रहा हूँ। क्या ही करता, मैं तो खोज लूँ अभी किसी को। किसको? चीनू को, चीना दीदी को, पता नहीं कहाँ पर है, वो तो देखने गई थी कमरे में, है ही नहीं। मैंने उसे कॉल करता, कहती मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अच्छा, मैंने कहा देखो जरा कमरे से बाहर आके, देखा है ही नहीं अभी। हाँ तो आ जाएंगे ना। हाँ, और बता। और कुछ नहीं, मैं तेरी काम करेगा क्या अंकल, तू अरे यार प्लीज ना, अभी के लिए चाय बन जाएगी, फिर दूध तो चाहिए, तो मुझे सुबह भागना पड़ेगा। तो भाग लेना, कोई ना, अच्छी बात होता है भागना। तो दूध दूध लेके आ भाई, मैं सुबह सुबह नहीं भागूंगी। ठीक है, जा रहा हूँ। कितना कह रही हूँ, ठीक है, कार्तिक को ले जा साथ में, चले जाता हूँ मैं। कोई ना, मैं कह रहा हूँ चले जाता हूँ मैं, जा फिर, चले जा। अरे जा रहा हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मम्मा, आपके कहने पे तो मैं ले आया दूध, आपके कहने पे मैंने चाय बना दी, अब आप मेरे कहने पर क्या करोगे? अच्छा, आप क्या चाहोगे करना मेरे लिए? अब
मैं अभी अपने लिए करना चाहती हूँ। क्या? सोना चाहती हूँ। सो जाओ, लेकिन पहले मेरे लिए तो कुछ कर लो। सो जाओ मतलब मेरा, मेरे लिए जो भी करना है कुछ। मैंने आपको इतनी चीजें, आपका काम करा, आप भी मेरे लिए कुछ कर दो। तो पूरा दिन मैंने तेरे लिए सब कुछ करा है? कोई ना कुछ तो। सुबह काम करती गई, ठीक है, तेरे को उठा के गई, ठीक है, और सब नाश्ता वास्ता करा के गई, फिर ऑफिस में काम करा मैंने, जो वो तेरे लिए करा मैंने, घर पे आई वो भी मैं तेरे लिए। तो मतलब कुछ नहीं करना चाहते मेरे लिए? हाय हाय, मेरे बच्चे के लिए जान भी हाजिर है मेरी, बता क्या करूँ तेरे लिए। आप बताओ ना, आप मतलब करना क्या है ये तो बता। आप बताओ ना क्या करना चाहते हो। मैं तेरे लिए बनाऊंगी आज कोफ्ते। यही तो मैं सुनना चाहता था, क्योंकि पिछले दो दिन से हमारे कोफ्ते बन रहे हैं ना। दो हफ्ते से आपके कोफ्ते बने जा रहे हैं कि आज बनाऊंगी आज बनाऊंगी, आज आता ही नहीं। तो गाइस मेरी ना तबीयत ठीक नहीं थी, और कल का ब्लॉग जो मैंने इस करके नहीं डाला, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना फीवर जैसा लग रहा था, थोड़ा सा अंदर से ऐसे टूटा टूटा शरीर लगता है ना कभी, तो वैसा करके लग रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है ब्लॉग में क्या बनाऊं, क्योंकि कोफ्ते बनाने थे मैंने वैसे, तो मैंने फिर क्या बनाती, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो रोटी वगैरह चलो मैंने बना ली थी, खिचड़ी विचड़ी दलिया वलिया जो भी खाना था हल्का फुल्का वो हमने खा लिया था। तो बस मैंने कहा चलो अभी एक दिन का स्किप कर लिया हमने ब्लॉग, कोई बात नहीं। पर आज भी मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा था, आपको लग रहा होगा मेरे चेहरे से, क्योंकि मेरे अंडर आई डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं अभी, वो तो आते ही है। हाँ, तो मेरा फेस भी थोड़ा डल डल लग रहा था, तो इस करके मैंने सोचा कि ठीक है तबीयत तो ऐसी रहती है, इसको ठीक करना खुद के ही हाथ में होता है, तो तभी करके मैं आज फिर ब्लॉग बना लूँ गाइस। तो मैंने ऑफिस भी गई मैं, और कल मैंने छुट्टी भी नहीं करी थी, मतलब कि अगर मैं ऑफिस थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, तो तब भी मैं ऑफिस गई थी, छुट्टी नहीं करी थी, क्योंकि आगे 2 से 3 दिन के बाद शायद मुझे छुट्टी करनी पड़े, तो मैं सोच रही थी कि वो कवर हो जाएगी, तो इस करके मैंने छुट्टी नहीं करी। और कल मेरे पेपर भी खत्म हो गए, फाइनली आजादी मिल गई मेरे को। आजाद हो गई जी, आजादी, आजाद पंछी, आजाद पंछी हो गए, आजादी प्रिय है प्राणी है। ठीक है, तो फिर कहीं घूमने चले जा रहे? कहाँ? कहीं पे भी, कहीं पे भी चलते फिर। देख बुआ को, बुआ ने तो बोला था कहाँ जाने को, जाना था उसके साथ। कहाँ? अभी ये सरप्राइज है भाई। अच्छा, अभी बुआ के साथ सेटिंग हो रखी है, तो अभी तो अगर हो गया उसके साथ फाइनल, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसके साथ भगवान ना करे फाइनल नहीं हुआ ना, तो फिर मैं तेरे को लेके निकल जाऊंगी। ठीक है, चीना देखो ले जाना साथ में। चीना के साथ तो हो, चीना के साथ, चीना प्रीति तू मैं हम चारों ने तो जाना था, प्लानिंग कर रखी थी मैंने, पर अभी प्रीति का पता नहीं क्या होगा, अभी सीन हो क्या है पता नहीं मुझे, और चीना का भी पक्का ही पता है वैसे तो, पर फिर भी अगर उन दोनों का नहीं भी होता ना, तो हम दोनों चलेंगे। मैं देखो ना एक या दो जगह ऐसी मैंने चूज कर रखी है कि मैं तुम्हें इस महीने लेके जाऊंगी वहां पे। ठीक है, चलेंगे। ठीक है ना, हम दोनों मस्ती मार के आएंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, ठीक है। मम्मा क्या बना रहे हो? मैं पीछे पीछे आके देखने लग जाता ना फोन ला करके, देखो जरा मम्मी क्या कर रही है। मैं बना रही हूं पकौड़े। नहीं, कोफ्ते। अच्छा, फाइनली आपके कोफ्ते बन ही गए। मेरे कोफ्ते बना दे दो। मैं कोफ्ते बनाऊंगी अपने। घी के कोफ्ते बन रहे हैं। हाँ, घी के कोफ्ते वही। हाँ, तो गाइस मेरे घी के कोफ्ते बन के रेडी हो रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे घी के, घी के, सिर्फ घी के कोफ्ते, घी के कोफ्ते हमारे नहीं, मतलब घी के कोफ्ते बन के रेडी हो गए, क्योंकि दो दिन से बनाने की सोच रही थी और नहीं बना पाई कल भी, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और कल का व्लॉग इसलिए नहीं आया मेरा, तो आज थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि घिया खराब हो तो मैं फटाफट से, और मेरी तबीयत वापस खराब हो। हाय, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मतलब वैसे उससे पहले इसलिए मैं बना ही लूं। हाँ, इससे पहले खराब होए, मेरी तबीयत खराब हो या फिर घिया खराब हो, तो इससे पहले मैं कोफ्ते बना लेती हूं। सही बात, सही है ना? तो अभी मैं बनाऊंगी यम्मी एंड टेस्टी गाइस। आप देखो इस आगे देखो ना, तो ये मैंने घी और बेसन लिया, तो मैंने ये छोटे छोटे से कोफ्ते बना लिए, क्योंकि ना बड़े बड़े कोफ्ते होते ना वो पानी में गहरी सॉरी ग्रेवी में जाकर ना फूल जाते हैं, तो बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो इस करके मैं पहले से छोटे छोटे बना ली, क्योंकि मेरी सासू माँ थी ना मेरी मदर इन लॉ, वो कहती छोटे छोटे घिया छोटे छोटे पकौड़े बनाया कर, तो तब से छोटे छोटे पकौड़े बनाने की हैबिट हो चुकी है, और ये छोटे छोटे ही बन रहे हैं अभी, बड़े प्यारे प्यारे से, बहुत अच्छा है ना। तो यम्मी और टेस्टी जो घी है, घी के कोफ्ते, वो बन के रेडी हो रहे हैं, क्योंकि गाइस देखो ये छोटे छोटे से बनाए, क्योंकि रौनक का मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि हम दोनों ने खाना आता है, तो ज़्यादा बना बना के रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर ना बच जाता है ना, तो इस करके मैं ज़्यादा नहीं बना रही, मैं कम ही बना रही, और साथ में सॉरी गिर गया नीचे।
तो फटाफट से बनाकर दे दो, अब सब्जी भी बना लो जो भी मसाला होगा। हाँ अभी मैं इसका मसाला रेडी करूंगी, अभी तो टाइम कम ही हुआ, 8:30 तो है अभी। फिर भी फटाफट से कर लो ना, आपने क्यों 10 बजे आने। अच्छा मैं स्पीड से ही करूँ, देख धीरे धीरे नहीं कर रही मैं, स्पीड से ही कर रही ताकि फटाफट से, क्योंकि कोफ्ते तो बने गए और अभी ग्रेवी रेडी हो जाएगी, साथ में आटा तो लगा पड़ा है तो रोटी बना दूंगी साथ में। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, आपको फटाफट से करो बस। ठीक है चलो बढ़िया। तो गाइस ये कोफ्ते की जो सब्जी है वो बनके रेडी हो गई, और आप देख सकते हो कि ये आपको लग रहा होगा कि ये कम क्यों है, क्योंकि ये प्लेट में भी डाल दिया मैंने यहाँ पे रौनक के लिए, और साथ में मैंने ऊपर दे दी थोड़ी सी सोने भाभी को दे दी, थोड़ी सी गोल्ड डॉली भाभी को दे दी कि सर थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट कर लेंगे, और थोड़ा सा चीना को दे दिया, तो ऐसे करके थोड़ी थोड़ी सबको दे दी, और ये रौनक मेरा सुबह का भी चल जाएगा, रौनक हाँ। को भी खा लेगा और मैं ऑफिस में भी ले जाऊंगी, हमारे इतनी थैली मतलब। हाँ इतने भी क्या, वैसे भी सबके मुझे ना देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा सबको खिलाते हुए ज्यादा अच्छा लगेगा है ना, इस करके मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी सी दे देती हूँ बेशक, पर दे देती हूँ, तो इस करके मैंने बना के सबको दे दी थोड़ी थोड़ी सी। अब सुबह खा ले रोटी, ठीक है। ठीक है तो क्या कर रहे हो अभी बताओ मुझे, सबसे पहले तो मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि यहाँ क्या देखा जा रहा है। हम तो भाभी को देख रहे थे। आप जागो एंजॉय कर रहे हो है? देख रहे थे कि ललिता भाभी ने क्या डाला वहाँ का, तो जागो एंजॉय कर रहे हो ना, जागो मेहंदी सब कुछ देखते हैं हम लोग, हर दिन कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, तो शादी एंजॉय करने का ही नाम होता है ना। तो हम दूर बैठे भी इनको देख के एंजॉय कर रहे हैं ना, वैसे ही हमें भी तो लोग दूर बैठ के एंजॉय करते हैं। हाँ ये भी चीज है, तो हम मूवी क्यों देखते हैं बताओ, अपने एंजॉयमेंट के लिए ना, तो बस ये भी एंजॉयमेंट का एक हिस्सा है हमारा है ना, व्लॉग बनाना। ये व्लॉग पता क्या होता है, एक सीरियल होता है, जैसे हम सीरियल देखते हैं है ना टीवी में, तो उसमें कहते हैं क्या होता है कहानी किसी को पता नहीं होता है, सबको पता ही एक्टिंग ही कर रहे हैं पर सब देखते हैं ना, ऐसे हमारा भी यही चीज़ है कि सबको पता है कि हमारी कई चीज़ें एक्टिंग करते हैं, नहीं एक्टिंग वैसे वाली एक्टिंग होता है ना। हाँ। हमारा स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता, कुछ भी देख लो, जहाँ गंदे पड़ा वही पड़ा, जो चीज जहाँ पड़ी है वही पड़ी है, कुछ एक्टिंग के लिए हम कुछ करते कब है, पर स्क्रिप्टेड है ना उनका, तो स्क्रिप्टेड होता है हमारा नहीं है ना, वो हमारा तो रियल चीज है सामने जो नजर आ रही है, वो बार बार रीटेक लेते हैं। हाँ हमारे पास जो है हम वही दिखा रहे हैं, हमारा सी है, आपको तो पता नहीं अगले दिन ही हो जाएगा। हमारे पास भी कमेंट्स आते हैं, आपके नेचुरल ब्लॉग होते हैं जो होता है आप सही दिखा रहे हो, ये नहीं कि इसको सही कर दे उसको सही कर दे, अभी कंबल ऐसी है पर्दा ऐसे हो रखा है तो हमने क्या। हाँ तो पीछे हमारा भी तो आया था कि आपका कंबल पड़ा था, कंबल पड़ा रहता सर्दी में क्या करेंगे, अब कंबल तो पूरे 2 महीने कंबल ही पड़ा है, और क्या करेंगे कहाँ फेंकेंगे सामान, इतना सामान है इंसान रखेगा कहाँ, फिर वो हर चीज वहीं पड़ा रहना होता है, जगह जगह सबको सबके घर में ऐसे ही होता है। ओके गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यहीं पे करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ, तब तक गाइस आप सब लोग अपना ख्याल रखना गाइस, तो ठंड अभी जा रही है गाइस, तो आप ये मत समझना कि ठंड जा रही है और चली गई है, तो इस करके हम आधी बाजू में आ गए हैं, ऐसे मैं तो नहीं हूं आधी बाजू देख रही है क्योंकि ये छोटा बच्चा है इसलिए अभी इसकी आधी बाजू नहीं हो सकती, मैं होगी बड़ी, और मैंने स्वेटर उतारा अभी गाइस क्योंकि मैंने सुबह से स्वेटर पहना हुआ था, मैं ऑफिस में भी स्वेटर पहन के गई थी ऊपर, और मैंने रास्ते में भी पहना, ऑफिस में क्या करते हैं सब लोग एसी चला देते हैं, उससे क्या होता है कि ठंड लगती है, तो मेरे बैक साइड भी बिल्कुल एसी है, तो मैं इस करके स्वेटर पहन के रखती हूँ, तो इस करके अभी मैंने उतारा बस सोते वक्त, तो अभी सर्दी नहीं गई है, तो इस करके आप लोग भी इस विचार पे मत रहना कि सर्दी जा चुकी है और आधी बाजू में आ जाए, तो अब सारे लोग अपना ख्याल रखना गाइस, तो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी यूट्यूब फैमिली में कोई भी मेरा फैमिली मेम्बर बीमार हो, तो इस करके तो रौनक रेड कलर में है, मैं पिंक कलर में हूँ, मतलब रेड का शेड है, तो इस करके जिस तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं गाइस, उस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, प्लीज जितना हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।